हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तो तय, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल। एक दिन यह भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब और कैसे? कहते हैं कि मौत, प्रलय और समस्या देख कर नहीं आते, और ना ही इनके आने का कोई समय होता। हमें नहीं पता कि दुनिया का अंत कब होगा या फिर होगा भी नहीं, लेकिन इतना पता है कि जिसका जन्म होता है उसका अंत होना भी निश्चित है। अगर पृथ्वी का जन्म हुआ है तो इसका अंत भी निश्चित है। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 लाख अरब साल हो चुके हैं। इतने सालों में पृथ्वी ने बहुत सी आपदाएं झेली है। हालांकि कई सभ्यता और धर्मों में भी पृथ्वी पर प्रलय, कयामत या विनाश की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन कम से कम आज तक तो वो भविष्यवाणी झूठी ही साबित हुई। लेकिन आज हम इस वीडियो के द्वारा यह जानेंगे कि पृथ्वी के अंत के बारे में विज्ञान का क्या मानना है। फादर ऑफ साइंस न्यूटन ने गति के नियम के तमाम फॉर्मूले आविष्कार किए थे। उन्होंने 1704 में एक नोट लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी की घूमने की गति बदल जाएगी, जिसमें दिन और रात आधे हो जाएंगे और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाला समय में एक्स नाम का एक ग्रह धरती के पास से गुजरेगा, और उस दौरान अगर पृथ्वी की इससे टक्कर हो गई तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कई वैज्ञानिक इस बात से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह और पिंड हैं जो धरती के पास से गुजर चुके हैं और इन्हें इससे कोई खतरा नहीं आया। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा होने पर 85% जीव नष्ट हो जाएंगे। सुपर वोल्केनों के फटने से आसमान में कई गुना बड़े आकार के काले बादल बन जाएंगे जो सूरज की किरणों को धरती पर आने से रोक देंगे। पृथ्वी पर जीवन खत्म होने लगेगा और धरती का विनाश हो जाएगा। कई वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि 2025 में एक उल्कापिंड हमारे धरती से टकराएगा और बड़ी तबाही के साथ पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवन का अंत होगा। इसके लिए कई करोड़पतियों ने खुद के बचाव के लिए कई बिलियन डॉलर खर्चा करके जमीन के अंदर बंकर का निर्माण कर रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।